इहच उपोयते ओयत लोयमानी पोयमानीरिति बहिरंगी गुणवृद्धि अंतरंग प्रषेध असिद्धम बहिरंग मंत्रंगे। भाष्यकार कहते इहच, यहाँ भी समाधान आसान है। क्या समाधान है भाई? उपोयते ओयत, उपोयत में गुण और ओयत में आठ के साथ वृद्धि, लोयमानी लुयमान शब्द से वृद्धि, तेजेश चमादे हैं, पोयमानी, इन सब स्थलों में क्या हुआ? बहिरंगे गुण वृद्धि। गुण वृद्धि बहिरंग से निषेध नहीं हुआ, नहीं तो सब कित कित प्रत्यय है, निषेध हो जाना चाहिए था। अंतरंग प्रतिषेध हो असिद्धम बहिरंग मंत्रंगे, और असिद्ध है बहिरंग कार्य अंतरंग कार्य में। वेयो यकी संप्रसारणी कृत है उभय पद आश्रितत्वा बहिरंगो गुण अव्यत इत्यादो बहिरंग आश्रयत्वाच वृद्धिर बहिरंगा। पहले वाले वेय में उपोयत में वेय तंतु संतानी, उससे आपने यक किया, संप्रसारण हो गया, ऊ बच गया। संप्रसारणी कृत है उभय पद आश्रितत्वात् उप और ऊयत, उभय पद आश्रित वृद्धि होने के नाते वो बहिरंग हो गया। और ऊ को यत के प्रति जो गुण निषेध हुआ था किंच सूत्र से, वो अंतरंग हो गया समान पद आश्रित होने के नाते। और अयत में भी इसी प्रकार से आठ हुआ, अयत इत्यादि बहिरंग आश्रितत्वाच वृद्धि। आठश्च सूत्र है ना, आठश्च आठ अच्छी परे वृद्धि एकादेश, वो जो वृद्धि कर रहा है वो भी बहिरंग है। बहिरंग आश्रितत्वाच बहिर्भूत लंग अपेक्षा इत्यर्थ, क्योंकि लंग की अपेक्षा कर रहा है इसलिए बहिरंग हो गया। और किंच जो प्रच्छेद हुआ वो अंतरंग हो गया, अन्य पदस्थ होने के नाथ स्वीकार करते वृद्धि अधिकारी हो जाता है। इसे रिकॉर्ड दृष्टांत नैनिकता इति परेण रूपेण व्यवहितत्वात् न भविष्यति। परेण रूपेण व्यवहितत्वात् यहाँ क्यों निषेध नहीं हुआ? निज धातु है, निज नैनिज यंगलुंगो यंगलुक हो गया, नैनिज गुण कैसे हो गया? तो प्रत्यय है पर में, नैनिज धातु से तो आया, नी को गुण नहीं होना चाहिए यहाँ, ये पूर्व पक्ष है। तब कहा था कि नहीं नहीं परेण रूपेण वही तत्वात्, पर रूप कौन है? निज, निज 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 था ना धातु, उसको द्वित्य किया आपने, निज निज हो गया। तो निज निज के अभ्यास वाला निज को पूर्व रूप कहते हैं और अनभ्यास वाला निज को पर रूप कहते हैं। या वो पर रूप नहीं लेना है, उसमें आता ना आपका परम रूपम आमृढ़ सर्वस्य द्वे, फिर परम रूपम कह दिया। और परम रूपम में द्वित्य करने के बाद एक पूर्व हो गया एक पर हो गया, उस तरह से यहाँ पर भी निज धातु को अपने द्वित्य कर दिया, निज निज नी निज बचा, नी हो गया पूर्व रूप, निज हो गया पर रूप। इस पर रूप का व्यवधान होने के कारण से कित से अव्यवहित पूर्व में नी नहीं आया, इसे कित से नी का गुण का निषेध नहीं होता। परेण रूपेण व्यवहितत्वात् न भविष्यति, मैंने निषेधो न भविष्यति, अंतरंग होने के बावजूद भी निषेध प्रवृत्त नहीं होगा। निनिक्ते इति किंगित परत्वेन अंगस्य विशेषणात् अंगस्यत्र कारित्वात् पूर्व पक्ष, या पूर्व पक्ष शंका क्यों हुआ? इसीलिए किंग योग्यते किंगित सूत्र में भी विशेष ये अंगस्य का विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अंगस्य का अधिकार गुणों का विधि है, वहाँ ये सूत्र जाएगा गुणों के विधि स्थल में। जब जाएगा तो वहाँ गुणों को निषेध जब करेगा, अंगाधिकार से गुण को निषेध करने से ये अंगांतर्गत नी भी है, पूर्व वाला जो रूप है नी वो भी अंग के अंतर्गत है ना, अतएव पूरे अंग को निषेध करेगा तो नी को भी गुण निषेध होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का आशंका है। तब जवाब के सिद्धांत क्या है वहाँ? उत्तरस्तु अभ्यास से कारित्वात्, अभ्यास भी कार्य कोटि में है, तश्च परेण रूपेण व्यवधानात्, पूरे अंग को हम कार्य नहीं मानते यहाँ, क्योंकि अभ्यास को गुण कहा है, अंग को गुण करके नहीं कहा है। निज धातु के निज निज नि निज और नी निज होने बाद गुण जो हम कर रहे हैं, किसको गुण करता है? करने वाला सूत्र कौन सा उससे गुण हुआ? गुण यंगलो की। और किसको करता है? वो अभ्यास को करता है, इसलिए अभ्यास ही कार्य है, समस्त अंग हमारे कार्य है ही नहीं, इसे अभ्यास ही में हमारे कार्य होने के नाते उसके प्रति कित प्रत्यय जो क्त प्रत्यय वही वहित हो गया, अतएव यह निषेध लागू नहीं होता है, ये सिद्धांत का जवाब है। तो उत्तरस्तो अभ्यास से कार्यत्वात् तस्य परिण रूपेण व्यवधानात् न निषेध।
उपधार्तेन तावन्नार्थः इतनी तन्निमित्त ग्रहण प्रत्यार प्रत्याख्यान है। अतन्निमित्त क्यों ग्रहण करना, किंगिति च तन्निमित्त सेव, ये जो कहा था ना तन्निमित्त सेव, उसको ग्रहण करने की वास्तव में जरूरत नहीं, उसका प्रत्याख्यान कर लेकर उपधार्तेन तावन्नार्थः, उपधार भी प्रयोजन को लेकर के तन्निमित्त करने की वास्तव में जरूरत नहीं है। क्यों, धातोरिति वर्तते, धातु का मन वृद्धि करेंगे, पुरुषोत्तर है ना, धातु लो पार धातु के, उसमें से धातु का अनुवृत्ति कर लेंगे। कहते केवल धातु का अनुवृत्ति कैसे होती, धातु लोप एक समास है, समास है उसे बहुरी समास आपने कहा, अन्यम क्या है पदार्थ पदार्थ अन्वित न तो देख देश है ना, हमेशा एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय होगा, उसे एक देश को अलग करके नहीं कर सकते, फिर आप धातु को किसी यहाँ जोड़ रहे अनुवृत्ति कर रहे हो। धातु किंगित परत्व विशेषिष्यामः, और धातु जो अनुवृत्त करके आया उसे किंगित परत्व विशेषण विशेष भाव कर दूंगा, ये कह रहा है। उसका जवाब है, दो तीन जवाब है उसके लिए। एक तो धातु शब्द स्वर तत्व विज्ञानात्, धातु शब्द में स्वर तत्व है, इसे जो स्वरित है उतने मात्र का अनुवृत्ति आप कर सकते हैं। दूसरा हेतु है क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, ये भी परिभाषा है, ये भी ज्ञापन आपने प्रदेशों को लेकर के हुआ है, तो उसको लेकर के भी आप एक देश का अनुवृत्ति कर सकते हैं, ये उसका जवाब है। या स्वर तत्व के बारे में आप बोलेंगे अभी आगे, धातुम किंगित परत्व नहीं थी, धातु लोपे इत्यत्र उपसर्जनत्व अपि, देखिए उपसर्जनत्व अपि, यदि उपसर्जन नहीं हो अनुवृत्ति नहीं हो सकता उसका, फिर भी धातोर धातु शब्द मात्र से स्वर तत्वाद ये अनुवृत्त्यर्थ, फिर भी उस धातु को का प्रकृति धातु शब्द का हम अनुवृत्ति करेंगे, क्यों स्वरितत्वाद का दिए प्रदीप कारण स्पष्ट होते, स्वरित चिन्ह के कारण से हम अनुवृत्ति कर लेंगे। यदि धातु विशेषते विकर्ण से न प्राप्त, तो पूर्व पक्ष कहता है यदि धातु के साथ विशेषण विशेष भाव करोगे फिर विकर्ण में गुण निषेध कौन करेगा, स्नु प्रत्यांत में स्नु प्रत्यय नु आएगा, नु को गुण करोगे ना वो कैसे करेंगे, फिर वहाँ निषेध नहीं होगा कि नु विशिष्ट धातु संज्ञा ही नहीं, नु विशिष्ट की अंग संज्ञा जरूर है, तो दादी कह दिया यस्मात् विदिष्ट तदादि प्रत्यंगम, वहाँ तदादि है इसलिए अंग संज्ञा तो विकर्ण सहित होगा, इन धातु संज्ञा विकर्ण सहित नहीं होगा, और यदि धातु कोई कित कित निषेध करेगा तो विकर्ण प्रत्यय को कित कित प्रत्यय गुण निषेध नहीं होगा, यह आपत्ति आएगी। चिनुतः यहाँ भी चिनोता बनेगा, फिर सुनोतः लुनीतः यह आपत्ति आएगी। किंगित्यनंतरस्य धातुर्गुणवृद्धि न भवता, कितगित का जो है अनंतर होने के नाते गुणोर धातु की ही गुणवृद्धि नहीं होता है, इति वाक्यार्थे, यदि ऐसा वाक्यार्थम मत्वा, ऐसा वाक्यार्थ को मान करके पूछ रहा है पूर्व पक्षी यहाँ कि विकर्णों में फिर गुण आदि जो कार्य होना चाहिए निषेध वो नहीं हो पाएगा। लुनित पुनित में आ को ही हुआ, इत हुआ है, स्ना के आकार को ईकार हुआ, वो नहीं कार्य होना चाहिए था, नहीं स दोष समाधान भाष्य कर देने, नहीं विहित विशेषण धातु ग्रहण, धातु जो ग्रहण किया अभी विहित विशेषण मान लो, अर्थात धातु यो विहित, धातु से जो जो विहित है उन सब को भी ले लेना, केवल धातु नहीं धातु से भी जो विकर्ण वो भी ले लेंगे। प्रदीप धातोर्भीतस्य किंगित्यनंतरे नेति मत्वा प्रश्नः, धातु से भी जो कितगित है उसे फिर प्रश्न पूछता है, धातु रेवतरी न प्राप्नोति, फिर से विकर्ण वाले को हो जाएगा, विकर्णों में निषेध हो जाएगा, ले धातु को निषेध नहीं होगा, जो विकर्ण को लेकर धातु में निषेध कर रहे थे आप, वहाँ नहीं हो पाएगा, धातु रेवतरी न प्राप्नोति, फिर वहाँ जो कितगित निषेध नहीं करेगा व्यवधानात् कि धातु से भीत जो है वो कितगित के अव्यवहित में, अव्यवहित कौन है विकर्ण ही रहेगा, उस विकर्ण में निषेध हो जाएगा, इसके पूर्व केवल धातु को निषेध होगा ही नहीं। तब सिद्धांत जाते नहीं मह नहीं समझ को नहीं विज्ञाते धातु विहित से कितगिति थी, हमें नहीं करे धातु से विहित का जो ऐसा नहीं, कदम धरी धातुर्विहिते कितगिति परे, ऐसा कर दो धातु से विहित कित गित के पर रहते हुए पूर्व में जहाँ कहीं जो कुछ भी प्राप्त है सबका निषेध होगा, अव्यवहित ही नहीं। धातोर्विहिते इति धातोर्विहिते कित गित अनंतरो यो धातुर्विकर्णो वा, आगे ना
धातु से वेद चित गीत के परते हुए जो धातु है चाहे धातु विशिष्ट विकरण है विकल्प तस्य प्रच्छेद दोनों का प्रच्छेद करेगा इसका अर्थ होगा। एक समाधान ये हो गया। इसलिए तन्निमित्त कस्य के बिना भी काम चलेगा, धातु का अनुवृत्ति करने से व्यवस्था बन जाएगी। अतः दूसरा विकल्प, यहाँ ये नहीं सोचना प्रथम विकल्प में कोई कमी है, न्यूनता है, अरुचि नहीं है, आगे बोलेंगे क्योंकि अरुचि आदि के कारण से विकल्प नहीं दे रहे भाषाकार अथवा अथवा करके, किंतु सूत्रार्थ को और पक्का करने के लिए अनेक पक्षों से मजबूत कर रहे, पूर्व पक्षों खंडन कर रहे। समाधानांतरवाच्यम अथवा कार्यकालमी संज्ञा परिभाषम, ये परिभाषा ले लो, कार्यकालमी संज्ञा परिभाषा। अभी तक जो विचार हुआ था यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम के आधार पर सूत्र अपने स्थल में रह करके अन्यत्र बोध कराता है, अब निधि सूत्र ही चला जाएगा अन्यत्र कार्यकाल संज्ञा पर। इसके नागोजी भट्ट ने आज बड़े सुंदर दृष्टांत दिया परिभाषेंद्र शेखर ने। परिभाषेंद्र शेखर बोलते हैं कि भाई जैसे विद्यार्थी दो प्रकार के हैं, विद्यार्थियों को लिया उन्होंने दो प्रकार के। एक विद्यार्थी वो है जो पढ़ाए रहे हैं, हम बार बार हम बोलेंगे नहीं, सूत्रों की याद नहीं दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एक बार पढ़ा दिया हो गया, बाद में चाहे जरूरत गुण हो गया बोल दिए तो समझ लो कौन से सूत्र से गुण हो गया, उसको बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा विद्यार्थी वो होता है मंदबुद्धि वाला, या गुण हो गया कहीं ना किस सूत्र से गुण हुआ पूछेगा, हर बार बोलना पड़ेगा यहाँ भी आध गुण से हुआ, फिर अगला आ गया वहाँ किस सूत्र से गुण हुआ पूछेगा, वहाँ भी आध गुण से गुण हुआ बोलना पड़ेगा, हर बार बोलना पड़ता है तभी उसको ग्रहण होगा मंदबुद्धि वाला। इस तरह से सूत्रों में भी कहते हैं दोनों प्रकार के अधिकारी को देखते हुए, या तो देशम संज्ञा परिभाषा भी है, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा भी है। ये तो देश उसके लिए जो तीव्र बुद्धि वाला है, कहीं भी आए वो परिभाषा सूत्र याद है उसको, क्या अर्थ उसको सब कुछ पता है और कहाँ लगाना है उसको लगा लेता है, अपने आप लगा ले जोड़ करके समझ लेता है। और कार्यकाल वालों है तो अब जहाँ अंग से अधिकार आया वहाँ ये सूत्र वहाँ ले जाओ, वहाँ उसको जोड़ो और समझाओ तब घटेगा। यत्र कार्यम तत्र दृष्ट, इस भाग परिभाषा संक्षिप्त अर्थ इतना ही है, जहाँ कोई सूत्र कार्य करने जा रहा है वहीं पर परिभाषा सूत्रों को संज्ञा सूत्रों को जोड़ लेना चाहिए। ये यत्र कार्यम तत्र द्रष्टव्य पुगंत लघुपद से गुणो भवती इत्युपसिता, जैसे पुगंत लघुपद से सूत्र था वहाँ पहले गुणो भवती, इको गुणोवृत्ति से इको गुणो भवती आ गया, फिर वहाँ ये जुड़ गया इति उपसितम इदम भवती, वहाँ ये जग उपसित हो जाएगा किंगति न कहेगा। पुगंत लघुपदस्य को क्या वही भूत को गुण होता है लेकिन कित कित के परते हुए नहीं होगा, ये वहीं जुड़ेगा एक वाक्यता को प्राप्त कर जाए। प्रतिपातवाई थी यत्र गुणवृत्ति विधीयते तत्र किंगति न इति उपतिष्ठत है, जिन जिन सूत्रों में गुणवृत्ति का विधान किया जाएगा उन उन सूत्रों में कित कित सूत्र जाकर के जुड़ जाएगा। इत्यमं इमं परिभाषा भवति तत्र पुगंतलोपदेश इत्यत्र अस्यापस्थाने सति येन व्यवधानमिति भिन्नम इत्यादो निषेधो भविष्यति, येन व्यवधाने तेन व्यवहिते अपि नियम, जो अव्यवहित विधान किया गया है वह एक वर्ण के व्यवधान में भी निषेध हो जाता है, ये ज्ञापन होता है। ये कैसे हुआ, अड्व्यवाह्यपि सूत्र बनाया ना वो ज्ञापन कर दिया, अड्व्यवाह्यपि अट का व्यवधान होने पर भी कर दो कह दिया सत्पाधिकारी के लिए, यदि जो कहा है वो ज्ञापन करता है, ये जो अव्यवहित में कहा हुआ कार्य एक वर्ण व्यवधान होने पर भी किया जा सकता है। इसे भिद धातु से जब यहाँ भिन्न बना गुण का निषेध हो गया। एक और समाधान, ये दूसरा हो गया, तीसरा समाधान दे दीजिए, समाधानांतरभाष्यम अथवा यदि तस्मिन योगे कित कित ग्रहणम तद अनवकाशम तस्य अनवकाशत्वात् गुणवृद्धि न भविष्यतः। ये सूत्र जो किंगित सूत्र कहा निरवकाश सूत्र हो जाएगा, ये कि पूर्व सूत्रों ने अपना अपना काम सब ले लिया, अब इसके लिए कहाँ बचेगा, कहीं बचाए नहीं, सर्वत्र जाकित हो जब कुछ भी हो सर्वत्र गुण कर देंगे, फिर इसका कहाँ अवकाश रह जाएगा, निरवकाश और अपवाद सूत्र हो गया। तस्य अनवकाशत्वात् गुणवृद्धि न भविष्यतः, इसे जहाँ जाकित गुत होंगे और निरवकाश होकर ये सूत्र प्राग गुण वृद्धि को निषेध कर देगा। अथवा यदि महाभूत परिभाषा, चलो ये कार्यक्रम संज्ञा परिभाषा में आवे बिना तो भी तथापि प्रतिषेध से प्रतिषेध्यपेक्षायाम, हमेशा कोई भी प्रतिषेध है वह अपने प्रतिषेध की अपेक्षा करेगा,
आपने सोच रही कित कित ना होवे, अरे कित कित ना करें, कित मन कित कित के परते हुए ना हो, क्या ना हो आकांक्षा होगी, कित कित के परते हुए नहीं करना, अरे क्या नहीं करना ये अपेक्षा होगी। तो प्रतिषेध्य अपेक्षाया यावंतो यादृश प्रसिद्धव्या तावंत प्रसिद्ध सूत्राणी थी पुगंध लघु पद गुणे प्रतिषेध्ये अनवकाश प्रतिषेधो व्यवहितेपि प्रवर्तते। यावंतो यादृश प्रसिद्धव्या जो जो भी जितने सदृश प्रतिषेध करने योग्य हैं उन सभीयों में चला जाएगा, जहाँ जहाँ गुण देखेगा, जहाँ जहाँ वृत्ति देखेगा, उन सभी सूत्रों में जाने की कोशिश करेगा। जब देखेगा प्रसिद्ध सूत्राणी उन सब में पहुँचा और उसको मिला अवकाश कहाँ, केवल पुगंत लोग उपद से च में, कि बाकी सब जो निर्णय कर चुके वो कहाँ लगेगा, अच्छी नीति नित्य में ही करेगा, बाकी तीत जाके क्या करेगा, तो जा ही नहीं सकते उसके पास, निर्णय हो गया। इसे जहाँ निमित्त का निर्णय नहीं है ऐसे जगह जाएगा, सामान्य सूत्र सार्वधातु कारधातु गयो पुगंत लोपद से च, इन सामान्य सूत्रों में जाएगा, पुगंत लोपद गुणे प्रतिषेध्ये व अनवकाश सन प्रतिषेध व्यवहित भी प्रवर्तते, यद्यपि व्यवहित है वो अत्यंत व्यवहित है फिर भी अनवकाश होने के नाते वहाँ प्रवृत्त हो जाएगा। अथवा यथोद्देश पक्ष आश्रयण भाष्यम, अतः इस भाष्य को यथोद्देश पक्ष मान करके समझ लो, पूर्व भाष्य कार्यकाल पक्ष को लेकर के है, इस भाष्य में तो देश पक्ष के भी घटा सकते हैं। तथा ही प्राधान्य बने प्रधानानी आत्म संस्काराय सन्निधीयमानानी गुण भेदम प्रयुंजते, नियम है भाई, सामान्य नियम है लौकिक, प्रधानानी आत्म संस्काराय जो प्रधान है वह अपने में विशेष संस्कार को पाने के लिए सन्निधीयमानानी गुण भेदम प्रयुंजते इति यदेतस्मिन् इत्युक्तम्, इसी बात को यदेतस्मिन् योगे किद्गिद्ग्रहणम् तद अवकाशम इत्यादि, कि यह गुण कृतात्म संस्कार प्रदानम प्रतिपद्यते, नियम यह है जो गौण वस्तु होता है पहले अपने में संस्कार करके ही प्रदान को संस्कारित करते हैं। कर्मकांड में देखते ना जितने पहले अवयव हैं अंग है एक एक को भी संस्कारित कर लिया जाता है, उनसे अंगी का संपादन होता है, उस अंगी के माध्यम से प्रदान की संस्कार बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लोक व्यवहार में भी आप देखते हैं कोई नौकर बिना नहा के चले जाए मालिक के सामने तो बहुत डांटेगा वो, अरे नहाए धोए सबरे सबरे आ गए जब नहा धो के आता, वो नहा धो के आता है पहले वो संस्कारित होगा नौकर जाकर सब तैयार होकर खड़े होते फिर मालिक बाहर आएगा फिर अपना काम पे चलेगा उनके साथ। तो गुणों के संस्कार गुणों अपने कृतार्थ संस्कार होने पर ही वो प्रधान में उपकार देने वाले होते हैं, यह लोक में भी वेद में भी देखा गया। तदनुसार यहाँ पर भी प्रधान से उपकार ही तथा भूयसी वर्तते, अब प्रधान को उपकार करने के लिए ही गुणभूता वस्तु जो तो क्या है बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं, हम कैसे उसको उपकार पहुँचाएँ, कैसे उसको ठीक ठाक करें, से उसकी जो सफलता हो वे प्रयास होता है। जैसे लोक में उसी न्याय के अंदर यहाँ पर भी कित कित क्या है, एक गौण वस्तु है गुणभूत वस्तु है, अब प्रमुख वस्तु कौन है वृद्धि, गुण वृद्धि प्रधान हो गया, उन्हें संस्कारित करने के लिए कित कित अपने संस्कार स्थल निर्णय करता है, स्वकृत संस्कार के माध्यम से ही गुण वृद्धि को संस्कारित कर देता है, कहाँ हो कहाँ ना हो निश्चय कर दिया इसे, कित कित में ना हो उसके भिन्न स्थलों में भी हमारे मालिक जाएं, मालिक है ना गुण वृद्धि, एक कित कित नौकर है ये कहेगा अपने मालिक को भगवान आप वहाँ मत जाइए यहाँ मत जाइए, आप जैसे कई बार होता है बड़े आदमी हैं कहीं गुजरा में नहीं यहाँ मत जाइए, बड़ों को रोका जाता है ये आपके लायक जगह नहीं है, यहाँ मत बैठिए या मत बैठिए या मत खाइए ऐसे बोल देते हैं लोग आपके लायक नहीं है। वैसे किंगित दिगर है कित कित जहाँ कहता है हम जहाँ हैं कित कित वहाँ आप मत आइए, उन वृद्धि को कहता आप मत आइए यहाँ पर इस विषय में आपका प्रवेश उचित नहीं, इसे भिन्न स्थलों में आप जाइए। इसे स्वसंस्कार के माध्यम से प्रधान के संस्कार करना रूपी लोक वेद का नियम को पालन करते हुए यहाँ पर घटा दिया। अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, चौथा समाधान आचार्य के प्रवृत्ति ज्ञापन करा रहा है, क्या प्रवृत्ति उनकी है, भवती उपधा लक्षण से गुण से प्रतिषेध हो, उपधा लक्षण गुण का जो प्रतिषेध उन्होंने किया वो ज्ञापन कर यदया त्रसी गृधि धृषिक्षपे खनु हूँ इको झल हलंताक्ष जो कनु सनऊ कितौ करोती,
या देखो उन्होंने क्या किया, त्रसी गृधि धृषि क्षिपे कनुह में कनु प्रत्यय को कित कर दिया। कित क्यों किया? यदि उपदाओं को गुण प्राप्त ही नहीं है, एक कित करके गुण निषेध करने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से इकोजल सन को कित कर रहा है, हलंताक्ष सन को कित करता है, इनको करने की क्या जरूरत थी। ये जो कित किए हैं ये ज्ञापन कर रहा है कि उपदाभूत वर्णों को गुण इक को गुण वृद्धि नहीं होता। कथन कृत्वा ज्ञापकम, पूर्व पक्ष पूछता है भाई ज्ञापन कैसे कर दे रहे हैं बताइए। तो कित करने ये तो प्रयोजन, इन प्रत्ययों को कित करने का यह फल है। गुण कथम न सियादिति, या गुण क्यों नहीं होगा। गुण अवश्य प्राप्त था, कहने का तात्पर्य क्या, गुण अवश्य प्राप्त था, उसे निषेध करने लिए कित करना पड़ा। यदि चैत्र गुण प्रतिषेध न सियात कित करण अनर्थगम सियात, यदि आप गुण प्रतिषेध करना इष्ट ही नहीं था तो इनको कित करण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। पश्यति तो आचार्य भवति उपदा लक्षण से प्रतिषेधीति, यानी आचार्य अच्छी तरह से देख रहे हैं हा उपदा लक्षण गुण वृद्धि का निषेध किंगित सूत्र करता है, ये वो जान रहे हैं इसलिए इन प्रत्ययों को कित कर रहे हैं। ततः क्नु सनौ कितौ करोत, इस क्नु और सन को कित किया है। लिंगात निर्दिष्टांग विकलाह तस्मृति परिभाषा उपतिष्ठत है। लिंगात क्नो कित करणात् लिंगात इत्यर्थ, क्नु प्रत्यय को जो कित करण ही या लिंग है, और सन को कित करना रूपी लिंग से। निर्दिष्टा निर्दिष्टांग विकलाह लिंगात निर्दिष्टांग विकलाह तस्मृति परिभाषा उपतिष्ठत है, जब तस्मृति दृष्टि पूर्वाश उपस्थित हो जाएगा अव्यवहित में ही करेगा वो, तो निर्दिष्ट करते अव्यवहित है, तो व्यवहित हो गया उपदा वाला वहाँ प्राप्ति नहीं था, फिर निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा कित गण ज्ञापन होता है, एक व्यवहित होने पर भी वह उपदा में गुण वृद्धि प्राप्त था, निषेध करने इनको कित करना पड़ा। अनेक परिहार उपन्यास हो, देखिए यहाँ बोल रहे प्रदीप, अनेक परिहार उपन्यास हो न्याय व्युत्पादनार्थ, क्या न्याय था सूत्र, सूत्र का सम्यक गर्त व्युत्पत्ति कराने के लिए ही इसका अनेक प्रयोजन अनेक समाधान वर्णन किया गया है, अनेक परिहार दिया गया है दोषों को उठा उठा करके। अब अगले विचार होते, एक तो उपदा था ना, दूसरा प्रयोजन क्या था, रोरवीति, उस पर विचार करते हैं। द्वितीय प्रयोजन का पूर्व पक्षी खंडन करेगा प्रत्याख्यान भाष्य, रोरवीति अर्थे नापिनार्थ, रोरवीति इस प्रयोजन को लेकर के भी आप इस सूत्र का प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों, किंगित इत्युच्यते न चात्र किंगितम पश्यामः, क्योंकि आपने सूत्र से किंगित प्रतिषेध कर कित कित गिर तो, और हम इस रूप में रो रवीति रूप में कहीं भी कित कित प्रत्यय हम नहीं देख रहे, अव्यवहित पर में कहीं भी कित कित प्रत्यय प्राप्त ही नहीं है। कहते कैसे, प्रत्यय लक्षण न प्राप्त होती, पूर्व पक्षी कहेगा भाई प्रत्यय रूपे प्रत्यलक्षण के आधार पर में कहा था ना प्रत्यय है, न लुमता तस्मृति प्रत्यलक्षण प्रतिषेद हो, समाधान भाषा कहते नहीं भाई न लुमतांगस्य, ये सूत्र है लुमता शब्द लुप्ते भी तनिमित अंग कार्य न सियात कर दिया, तनिमित अंग कार्य नहीं हो सकता, उसी के द्वारा अंग कार्य निषेध हो गया, और अंग कार्य में ही गुणवादी है, उस गुणवादी भी अपने आप निषेध हो गया। इसे इस स्थल में गुण निषेध करने के लिए किंगित सूत्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अथापि न लुमतांग से तुच्छते एवमपि न दोष, तो कोई कह सकता है मान लो भाई वो तो खंडित हो गया ना, वापाणी नहीं है, न लुमतांग से सूत्र ही नहीं, उसको का समाधान में आप ला रहे हो। यदि ऐसा कहोगे एवमपि न दोष, क्या न लुमतांग से इति उच्चते जो कहा ना उसका तात्पर्य चार नंबर टिप्पणी चाहे देख लीजिए, चार तस्य खंडितत्वेन अपाणिनीयत्वेन च सूत्रमतेन आह अथापि इत्यादि, वो खंडित हो गया है इसलिए अपाणिनीय मान करके पूर्व पक्षी कहता है आपने भाष्यकार स्वयं ही उसको सूत्र मानते ही नहीं है, और उस सूत्र को यहाँ समाधान में क्यों ला रहे हो, तो कहते फिर भी दोष नहीं है, वो सूत्र को न मानो तो भी दोष नहीं है। कहते क्यों नहीं है, किंतु वगैरह कथम न लुमता लुप्ते अंगाधिकार प्रतिनिर्दिश्यते, लुमता लुप्त में अंगाधिकार का प्रतिनिर्देश नहीं किया जाता है। अरे क्यों नहीं होगा, किंतरि योसो लुमता लुप्यते तस्मिन् यदंगं तस्य यत् कार्यं तन्न भवति इति,
क्लाप इसका यह करेंगे योसो लुमता लुप्यते लुक्ष्लु लुप इन शब्दों के द्वारा जहाँ कहीं भी कोई प्रत्यादि का लोप होता है उसमें तस्मिन परे यदंगम जो अंग होगा तस्यत कार्य प्राप्त न होती उसके स्थान पर जो कार्य प्राप्त है वह तन न भवती यह अर्थ होगा वहाँ। अथाप्यंगाधिकार प्रतिनिर्दिशत अंगाधिकार में प्रतिनिर्देश कर दिया आपने एवं अपि न दोष हो तो सिद्धांत फिर भी दोष नहीं है क्यों नहीं दोष होगा कथम न कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इति उसी में लौटना ही पड़ेगा कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यत्र कार्यम तत्र दृष्टम जहाँ कार्य वहाँ सूत्र पहुँच जाएंगे सार्धत्विक आर्धत्विक और गुणो भवति इति कि सार्धत्विक सूत्र ने कहा सार्धत्विक आर्धत्विक प्रत्येव गुण होता है तुरंत घुसेगा इसी परिदम भवति वाह सूत्र पहुँच गया और क्या कित गित न कित गित न कह दिया अथवा अतः एक और समाधान देते हैं या तो कार्यकाल पक्ष ले लो अतः दूसरा समाधान क्या है छांदसम एतत् रोरवीति आपने दृष्टांत दिया ही वेद का रोरवीति कहाँ का था वो वृषभ का वाक्य था ना रोरवीति वो तो ऋग्वेद का मंत्र का है इसे छांदस मानो इसको छांदसम एतत् दृष्टान विधिश्छंदसी भवती और वेदों में तो क्या है जैसा रूप देख रहा है उसके अनुरूप आपको अपने आप विधियों की कल्पना करनी पड़ेगी तब जो पूर्व पक्ष कह सकता है महाराज है तो अगति गति में कहा जाता है वेद के हर एक पद के लिए थोड़ा ऐसे कहा जाएगा वेद के उन पदों की जो जिन पदों की सिद्धि इन सूत्रों से असंभव है बल्कि विपरीत सिद्ध होने जा रहा होगा तब आप लगाएंगे ना ये सब न्याय इसलिए ये न्याय वहाँ लगाना ठीक नहीं है तब कैसे घटाओगे तब समाधान अंतर दिया अथवा बहिरंगो गुणों अंतरंग प्रतिषेध तृप निमित्तक जो गुण है ना वो बहिरंग है तृप निमित्तक गुण रो रवीति रोरू था गुण है वहाँ तिप है वहाँ पर यहाँ आपने क्या किया ऊ को गुण की बात आप कर रहे हो ऊ को गुण होने की बात यहाँ उपधान में आ जाता है वो तो उस स्थिति में उस गुण कैसे करोगे कहते तिप का जो निमित्तक गुण है वो कैसा है बहिरंग है और प्रषेध करने वाला जो किंगिचे सूत्र कैसा है वह अंतरंग है इसीलिए वह असिद्धम बहिरंग मंत्रंग है और जो बहिरंग है वह अंतरंग कार्य करते में असिद्ध हो जाता है अतः गुण निषेध हो जाएगा ततश्च असिद्धत्वात् असत्वात् निषेध अनुपत्तिरित्यर्थः इसे असिद्ध होने के नाते वो है ही नहीं ऐसे निषेध की जरूरत ही नहीं निषेध करने का जब गुणवृद्धि है ही नहीं बहिरंग मन से असिद्ध हो गया और गुणवृद्धि दिखेंगे ही नहीं वहाँ पर उसको तो निषेध करने की क्या जरूरत है ये तात्पर्य समाधानांतर भाषिक और समाधान दे रहे हैं और पुष्ट करने के लिए अथवा पूर्वस्मिन योगे यदि आर्धातु ग्रहणा तद अनवकाशम पूर्व विचार हुआ था सूत्र में आर्धातु ग्रहण करने कोई जरूरत नहीं है प्रत्याख्यान हुआ था ना तो उसको लेकर कह रहा है मान पूर्व सूत्र में जो आर्धातु ग्रहण व्यर्थ था कोई प्रयोजन नहीं था तद अनवकाशम व्यर्थ होकर के अनवकाश होकर के तस्य अनवकाशत्वात् गुणो भविष्यति उसकी अनुवृत्ति करके हम कहें गुणो भविष्यति कहेंगे तो उसकी निवृत्ति करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी नो बहुवी अर्थम उभय विशेषणा य आर्धातु ग्रहणम सियादिति कथम अनवकाशत्वम आपने कहा था बहुवी की सिद्धि के लिए दोनों विशेषण की जरूरत है इसे आर्धातु ग्रहण करना आवश्यक है इति कथम अनवकाशत्वम उच्यते विनापि आर्धातु ग्रहणेन बहुवी लभ्यते आर्धातु ग्रहण के बिना धातुलोप शब्द में बहुवी समास माना जा सकता है अन्य पदार्थ और बोधक पद के बिना भी बहुवी समास की जाती है हमेशा ही कोई दूसरा पद हो जिसके आद पदार्थ हो पद पदार्थ जिसके आधार पर अन्य पद में समास मानना पड़े यह कोई जरूरी नियम नहीं है जैसे आप खुद करते कहाँ यथा एकाचो द्वे प्रथमस्य एकाचा में बहुवी समास आपने करा कैसे अन्य पदार्थ कौन था यहाँ पर जिसके संकेत पर आपने यहाँ पर बहुवी समास कल्पना करी एक अच अस्मिन ये विक्रम वाक्य आपने किया है वह एक अच अस्मिन इति एक आच कह दिया और ऐसे करने पर ही भू हुआ नहीं तो क्या है वहाँ भू में चार चार है एक आच केवल ऊ भी है अच्छा दीर्घ ऊ को वह के साथ जो ऊ वो भी अच्छा है एक आच
भाव में ऊ जोड़ दो भू, वो भी एकाच है और भूव्य समुदाय भी एकाच है। ये कैसे निर्णय हुआ कि एक अस्मिन बहुवरी समास के कारण से। तब वृक्ष प्रचल न्याय कह करके आप भू संपूर्ण की द्वित्व करने का विधान कर दिया। इसीलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहते हैं कि इत्यत्र यथा तथा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे धातु लोप शब्द में आर धातु के शब्द के बिना भी हम बहुवरी समास कर सकते हैं। अतएव आर धातु के शब्द निर्वकाश अग्र व्यर्थ हो गया, तो उसकी अनुवृत्ति जोड़ लेंगे और काम करेंगे। रो रवीति इत्यत्र अनियमितकत्वात् लोपस्य गुण निषेध, और रो रवीति में इत्यत्र अनियमितकत्वात् अल्लोपस्य, जो अल्लोप हुआ है वो निर्निमित्तक है। कौन सा अल्लोप है यहाँ? जंग के आकार आकार, उसको समुदाय लोप नहीं पक्ष है यहाँ पर। अल्लोपस्य गुण निषेध पूर्वेण न प्राप्नोति इति आर्धातु ग्रहण सामर्थ्यात् सूत्रांतर प्राप्तोपि निषेधो बाध्यति इत्यर्थः। पूर्वेण न प्राप्नोति इति आर धातु ग्रहण सामर्थ्यात्, पूर्वेण ने न धातु लोप सूत्र से, पूर्व सूत्र कौन हो गया न धातु लोप, आर धातु किस में है नहीं, उस सूत्र के द्वारा निषेधन प्राप्त नहीं था। अतः किंच सूत्र क्या करेगा उसको निषेध कर देगा, ये तो लाभार्थम मानना पड़ेगा इत्यर्थः। यंग निमित्तश्च निषेध अंतरंगत्वात् बाध्यते, और यंग निमित्त निषेध तो अपने आप में पहले अंतरंगत्वात् बाध्य कर ही रहा है। न सार्धातु निमित्त इति रो रुत इत्यादो निषेधो भवत्येव, इस सार्ध अपित से होने वाला जो अपित गित है उनको लेकर निषेध नहीं करता। अतः वहाँ पर जो है न सार्धातु के निमित्त को इति रो रुत, रो रवीति रो रुत, रो रुवंती रुबंता है। भाषा विषयत्व तो यंग लुको बहूनी प्रयोजनानी, और लौकिक विषय में तो बहुत सारे प्रयोजन, वेद में तो एक विचार कर रहे हैं रो रवीति को लेकर के, भाषा विषय तो मैंने लौकिक विषय में तो अनेकों प्रयोजन है बोलते भाष्यकार। यंग लोग को बहुनी प्रयोजनानी आर धातु ग्रहण से संभवंती, आर धातु ग्रहण करने का अनेकों प्रयोजन दिखा सकते, जैसे तो तोरती तो थोरती दो दोरती दो धोरती जो होरती मो मोरती इत्यादि। ये सब जैसे क्या धातु है दे रहे हैं स्वामी, तुर्वी थुर्वी दुर्वी ध्रुवी इत्यादिभ्यो यंगलुकी तिपि छकार अवकार्य राल्लोप इति लोपे कृते असति आर्धातुक ग्रहणे बहुव्रीयोपि आश्रिते न धातुरुपि गुण निषेध प्राप्नोति न स मा भूत इत्यमर्थम आर्धातु ग्रहणं कर्तव्यम्। पर यहाँ यंगलुक होने के बाद छकार का वकार का लोप होता है, फिर राल्लोप से वो भी लोप हो गया, इति लोपे कृते असत ही आर धातु ग्रहण है। यदि किंचित सूत्र में आर धातु ग्रहण को मनोवृत्ति नहीं करेंगे तो बहुव्रीय अपी न धातुरोप सूत्र बहुवी करने के बावजूद भी इस स्थल में गुण निषेध प्राप्त होती, गुण निषेध प्राप्त हो जाएगा। स मा भूत और गुण निषेध न होवे, इसे आर धातु ग्रहण करना जरूरी है। सम इत्यम अर्थम आर धातु ग्रहणम स्यात् अनेन चत्र व्यवधानात् नास्ति निषेध इति सति प्रयोजने कथम अनवकाशम स्यात्। इसलिए प्रकार से व्यवधान होने पर भी नास्ति निषेध, व्यवहित का होने पर भी निषेध नहीं होता न धातु रूप सूत्र के द्वारा। अतएव उसी सूत्र में भी वास्तव में आर्धातु ग्रहण करने का प्रयोजन जब है आप निरवकाश को कह रहे हो उसको, अतः न धातु रूप सूत्र में भी आर्धातु ग्रहण करना सावकाश है। निर्वकाश होकर ज्ञान अनुवृत्ति पूर्वक उसका लाभ दिखाने की जरूरत नहीं है। लोक में तो उसी सूत्र में आर्धातु ग्रहण पर भी अनेकों जगह लाभ दिखाई देता है। अवेद के लिए वो बात ठीक है जो कहा गया। तब आक्षेप भाषिक पूर्व पक्ष कहता है यह कस्मान न भवती लय गवायन कामयते, लिगुपद है प्रातिपदिक है, उससे आपने फक प्रत्यय किया और लिगु के उकार को गुण हुआ, गुण हुआ आदिवृत्ति भी लय गवायनी बनाई, इसलिए तस्य पत्यम लय गवायनी लय गवायन। और कामयते में वहाँ फककित था, ये शंका इसलिए फककित है। और कामयते में क्या है कमुक कांतों से कमेर निंग निंगित जितना था वह गुण वृद्धि नहीं होना चाहिए, वृद्धि हुआ कामयते बना। पूर्व पक्षे पूछ यह अकस्मात न भवती, यहाँ क्यों निषेध नहीं किया, यहाँ तो कित गित है या गुणवृद्धि निषेध होना चाहिए था, क्यों निषेध नहीं किया, ये पूछ रहा है पूर्व पक्ष। तदित काम्योर इक प्रकरणात् कहते तदित काम्योर इक प्रकरणात् कह दिया, अरे इक गुण लक्षण वृद्धि कोई निषेध करता है
अन्य गुण वृत्ति को निषेध नहीं करता। लिखो में क्या हुआ और गुणा से हुआ है, कोई लक्षण गुण नहीं है। और काम है ते में अत उपदाया से हुआ, ये भी एक लक्षण गुण वृत्ति नहीं है। कहते एक लक्षण और गुणवृद्धि प्रच्छेद न चाहते एक लक्षण किंगित्य सूत्र करता है, यह भी एक प्रकरण होने के नाते एक लक्षण गुणवृद्धि को ही निषेध करता है। इसे तद्धित में ये जा ही नहीं सकता, किंगित्य सूत्र प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। और काम्य में भी इसलिए वार्तिक दो ही लिया, तद्धित काम्यो हो, तद्धित में भी नहीं जाएगा, कमेंडिंग में भी किंगित्य सूत्र निषेध करने के लिए नहीं जा सकता। प्रदीप इका इत्यवान ये गुणवृत्ति तयोर निषेधित करता, इका ऐसे परिभाषा से जुड़ करके जो गुणवृत्ति का विधान हुआ है जहाँ वहीं पर किदगित के प्रत्येक गुणवृत्ति को निषेध करता है, अतएव यहाँ पर निषेध नहीं करेगा। लकारस्य दित्वाद आदेशेषु स्थानिवत प्रसंग, तब प्रश्न उठता है चलिए वाणी है तो क्या लंग लिंग लुंग ये सब क्या अंकित है ना, इनके स्थान में आदेश तिप वगैरह है वो भी इंगित माना जाएगा, फिर उनके प्रति भी निषेध कर देंगे सूत्र जा करके, वो तो एक लोग गुण लक्षण वृद्धि कर रहे हैं वहां। लकार से गित्वाद आदेश स्थानीय प्रसंग आक्षेप है, पूर्व पक्षी आक्षेप ही कर रहा है यहाँ पर स्थानीयत्व प्राप्त दोष का, जो है अभी तक जो चला था निमित्त मान करके निमित्तार्थत्व तो निराकरण चल रहा था, वो जगह तन्निमित्त से ही वह ग्रहण करने कहा था उस पूर्व पक्षी ने कि तन्निमित्त से ही वह होना चाहिए, वो ग्रहण करने की जरूरत नहीं, निमित्तता ग्रहण निषेध दिया, कित कित में जो सप्तमी है निमित्तार्थ मानने की जरूरत नहीं, वो निराकरण समाप्त हो गया। अब स्थानीयत्व को प्राप्त होने वाला जो दोष है स्थानीयत्व के कारण से प्राप्त दोषों का निराकरण करने के लिए आरंभ हो रहा है। लकार से गित्वाद आदेश स्थानीय भाव प्राप्त होती अचिनवम असुनवम अकरवम रूप है, ये सब कहाँ का रूप है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, लंग को मिप हुआ मिप को अम हो गया, तस्ताम ताम अम आदेश हुआ वो अम के प्रत्येक गुण हो गए इन सब जगहों में, चिन्हु को नु को गुण हुआ है सभी जगह, अकरों में क्रीधा से जो ऊ प्रत्यय हुआ था ऊ को गुण हो गया कारावम बन गया नु वो दो दृष्टान दिए यहाँ पर। लकार से थी अनुबंध इस संचकत्वा लंग लकार लिंग लकार लुंग लकार लृंग लकार है चारों में जो लकार है वो अनुबंध वही संचक होने के नाते लोपात स्थानिनी न सन्निधियत, लोप होने पर वह यद्यपि स्थानी में सन्निहित नहीं है, यदि अनल विधो इति निषेधोपि न प्रवर्तत है, इसे अनल विधो अंश या निषेध में प्रवर्तन नहीं होगा। कहते कोई कह सकता है भाई पिच्छ किन्न किच्छ पिन्न का है ना, जो पित्त है सिप सिप तिप मिप मिप तो पित्त है और पिच्छ किन्न गिच्छ पिन्न ये तो भाष्यकार का सिद्धांत है, यदि भाष्यकार से कल्पना ये जो शंका कौन कर रहा है वार्तिककार, जब वार्तिककार ये शंका उठाए हैं तब भाष्यकार का वचन नहीं था, जब वार्तिककार ने वार्तिक लिखा तब भाष्यकार का वचन था क्या, इसे गिच्छ पिन्न किसका वचन है, भाष्यकार का है उनका सिद्धांत है, ये वार्तिककार के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, इसे वार्तिककार ने इसका न जानते हुए ये शंका किया हुआ है, उनके समय में नियम था ही नहीं गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्ना, जब भाष्यकार से कल्पना न वार्तिकार से दोष उपन्यास, इसे यहाँ शंका को उपन्यास करना उचित है वार्तिककार के द्वारा। इस प्रकार से एक देशी समाधान भाष्य या एक देशी जवाब देता है लकार से गित्वाद आदेश स्थानीय भाव प्रसंग चेत यासुट गिद वचनात् सिद्धम, यासुट को गिद वचन जो किया वो ज्ञापन करता है और लंग लकार के गित जो है वो प्रत्यय में नहीं आता, ये जो आगम को गित करने की क्या जरूरत है, यासुट तो आगम है ना, आगम को गित करने कोई जरूरत नहीं है कि यद आगम तदगुणी बुधा तदग्रहण निगृहते, जिसको आपने आगम किया है वो गित वाला है तो आगम भी अपने आप गित हो जाता है, ये इत्यादि सारी चीज़ें लंग लकार में जो हो रहे सभी के सभी गित है, तो यासुट जो वहाँ हुआ वो भी उसको गित अपने आप प्राप्त था, अलग से गित विधान करना व्यर्थ होगा। यदि यासुट गिद वचनम शास्ति तद ज्ञापयति आचार्य न गिदादेश गितो भवंती थी, गीत को आदेश होने वाले प्रत्यय वो गिद होते नहीं है, एक ज्ञापन हो गया। और सारधातु का पितृ ज्ञापन करता है ना, अपित सारधातुकों को गीत कर रहे हैं क्या जरूरत है, लंग में जो तस आया जी आया उसी से गीत होने से गीताया गया, वहाँ सारधातु अपित लगाने की जरूरत नहीं, लंग लकार
तस है, जी है, थस है, थ है, वस मस है, ये सब क्या है? शारदा तो क्या है? अपित्व इन सबको गीत करते हैं आप, इन यहाँ लंग लकार के स्थान में लगाने की जरूरत नहीं उनको, बस लटाजी में काम आएगा, लंग में नहीं। कि लंग में क्या है, वो प्रत्येक गीत आएगी ना, लंग लकार का गीत आ गया, फिर भी वहाँ शारदा पित लगा रहे हैं, वो ज्ञापन करता है कि गकार लंग का गीत आता नहीं है इसमें, इसका प्रयोजन क्या फिर लंग का गीत करने का? तो कहेंगे अन्यत्र लाभ है, नित्यंगीता समस्त गीत लकारों के लिए वसमस के सकार को क्या होता है, लोपाधिकारी, वहाँ प्रयोजन होगा उसका, अन्यत्र प्रयोजन है। आगे धैर्य देखा आक्षेप भाष्य, यदि ये ज्ञाप्य थे कथम नित्यम गीता ही तस्ती, पूर्व पक्ष कहते थे ऐसा ज्ञापन हो रहा है, फिर तो नित्यम गीता इतश्चय क्यों कहा कि गीत लकारों को के उत्तम पुरुष में क्या होता है, वसमस आदि उनका लोप की बात कह रहा है, इतश्चय सूत्र भी लगा रहे हैं आप, गीतो लकार तत्र अर्थस्थिता, भाव ये अर्थ आप करते हो ना, गीत का जो लकार, लकार जो गीत है उनके स्थान में होगा जो, तत्र अर्थस्थितः न तु गीत आदेश असीति, गीत के स्थान में जो आदेश हुआ ये अर्थ मानी कर रहे हैं, गीत के स्थान में जो आदेश ऐसा नहीं कह रहे हैं, गीत जो लकार उसके स्थान में ये अर्थ होता है, क्योंकि हम गीत के स्थान में आदेश नहीं करते हैं ना, हम लकार के सूत्र कौन है आदेश करने वाला, लकार के स्थान में तिप वगैरह का कौन लाता है, लस्य उसके स्थान में हो रहा है, वाई तो है नहीं, गीतन तो है नहीं कहीं, टीता गीता कुछ है नहीं, इसीलिए कहते हैं हम गीत के स्थान में आदेश किए ही नहीं तो शंका क्यों कर रहे हो, हम तो लौ के स्थान में आदेश किए हैं, आप इतना ही कह सकते गीत का जो लकार, गीत जो लकार उसके स्थान में, नित्यम गीत का करना पड़ेगा, गीत जो लकार उसके स्थान में, टित जो लकार टिता तेरे में, टित जो लकार उसके स्थान में ये अर्थ करना पड़ेगा, टित के स्थान में गीत के स्थान में ऐसा सीधे नहीं ले सकते अर्थ, न तो गीता आदेश असीति अन्यथा पचाव पचंती थी लोपस्य, लगा गया ना पचाव पचंती इत्यादि में लोप ही होने लग जाएगा, एवं मन्यते यासुटो गीत्वेन ज्ञापकेन स्थानेन एव लकारस्य गीत्व उपदेश उच्छिद्यते, इसलिए यासुट को गीत का जो ज्ञापन करने से स्थानीय भूता जो लकार है उसको जो गीत्व उपदेश किया वो गीत्व उपदेश ही उच्छिन्न हो जाएगा, उसका व्यर्थता हो जाएगी, घकार उच्चारण तो, और घकार को उच्चारण करने का लाभ क्या है फिर, लुंग लंग लंग छो इत्यादि विशेषणार्थम, केवल परस्पर भेद करने के लिए है वो, ये पूर्व पक्षी का आशय, तब सिद्धांत समाधान देता है ऐसा नहीं है, गीतो यत कार्यम तत् भवती, गीति यत कार्यम तन्न भवती थी, ये अर्थ करना, गीत के परे रहते हुए जो कार्य है कौन सा, गुणवृद्धि निषेध, ये लागू के लिए नहीं होता, वहां पर क्या है अर्थ, गीतो यत कार्य, गीत के स्थान में जो कार्य है वो आप कर सकते हो, लेकिन गीत निमित्तक जो कार्य है वो लागू नहीं हो सकता है, ये यहां तात्पर्य, गीतो यदि थी स्थानीय उद्भाव लादेश गीतियत कार्य, अगर स्थानीय उद्भाव के आधार पर हो लादेश के स्थान में गीतियत कार्य पूर्वस्य गीत निमित्तक जो कार्य पूर्व को प्राप्त होवेगा, तन न भवति इति ज्ञाप्यते वह कार्य प्रवृत्त नहीं होवेगा, न तो स्थान एव गीत्योपदेश स्थानी के ही गीत्योपदेश नहीं हुआ है उच्चिद्यते, अन्यथा नित्यं गीत इत्येतत् निर्विषय निर्विषयम् स्यात्, नित्यं गीत इत्यादि सूत्र निर्विषक हो जाएगा, कि गीता क्या है षष्ठी एक वचन है ना, इसे गीत के स्थानिक कार्य के लिए स्थानिक भाव को स्वीकार कर रहा है, यानी गीत निमित्त कार्य के लिए कोई स्वीकार करें ऐसा कहीं दृष्टांत नहीं मिलेगा आपको, किम वक्तव्य तक पूर्व पक्ष कहता है, फिर तो इसको कहना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्यों नहीं कहा, यह बात क्यों नहीं कहा गया, कहता समाधान भाषा कहने की कोई जरूरत नहीं, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, ज्ञात हो जाता है, तो पूर्व पक्षी पूछेगा खत्म अनुच्च मानक गंसित है, बिना कहीं हमें बोध कैसे हो जाएगा, कहते अभी बताया ना या सुट ये वीत वचननाथ, तुमने ही जो बताया उसी सब ज्ञापन हो रहा है, तुम पूर्व पक्षी ने जो उठाया है वही ज्ञापक है ना, अलग से कहने की क्या जरूरत है, या सुट ये वीत वचनाथ अपर्याप्त वही या सुट समुदाय से गीतवे गीतम चैनम करोति तस्त प्रयोजकनम गीतो यत कार्यम तदता सियाद गीति यत कार्यम तन्मा भूदिति, क्योंकि अपर्याप्त वही
यासठ समुदाय से गित्व है, क्योंकि जो है अपर्याप्त माने समुदाय को कहते हैं पर्याप्त, पूरे समुदाय को जब हम लंग को गित कर दिया, अतिप का अतिप के तकार बचा है उसको अपने यासुट कर रहे हैं, चाहे विधि लिंग हो चाहे आश्रलिंग हो, जो आप आश्रलिंग कर रहे हैं तो या यासुट कर रहे हैं, वह जब समुदाय ही गित हो रहा है तो अवयव को गित करने क्या जरूरत है, आगम को गित करने क्या जरूरत है। कहते हैं अपर्याप्त, अपर्याप्त मैंने असमुदाय, जो समुदाय नहीं है, असमुदाय को गित जो किया, यासुट क्या है, समुदाय नहीं है ना, एक अवयव है, किसका, तिप के साथ जुड़ने वाला अवयव है, क्योंकि आपके नियम ही है आद्यंतो टकितो, क्या कहता है आद्यंत अवयवस्था टितो यश्योक्तो तस्य आद्यंत अवयवस्था गिच्च, गित भी इसी प्रकार से आद्यंत अवयव होगा, जब अवयव होना है तो वो समुदाय नहीं है, अवयव ही नहीं है, जिसका अवयव बन के जुड़ेगा मिलकर समुदाय होवेगा, जब समुदाय जो होना है वो पहले से गित है, लंग के स्थान में आदेश हुआ, विधि लिंग आशलिंग के स्थान में आदेश हुआ, जब विधि और आशलिंग के स्थान में आदेश हुआ, जो प्रत्यय है वो समुदाय खुद ही गित है, उसमें अवयव जो जुट रहा है ये भी गीत स्वतः हो ही जाएगा, फिर अलग से गीत कहना व्यर्थ हुआ, या सट तो ज्ञापन किया समुदाय से गित्वे सत्वे, जब समुदाय पहले से गीत है ही, फिर अवयव को अलग से गीत कहना व्यर्थ होकर ज्ञापन किया, गीतं चैनं करोति, फिर भी पाणिनि ने गीत किया है तो कुछ तो ज्ञापन करने के लिए किया, तस्य एतत् प्रयोजनम्, उसके ये प्रयोजन है क्या, गीत के स्थान में जो कार्य होगा वह तुम कर सकते हो, गीति यत कार्यम माने गीत निमित्तक जो कार्य प्राप्त होवेगा, तन मा भूत इतिव न होवे, इसे गुण प्रतिषेध नहीं हो गया, गीत निमित्तक कार्य वो प्रगुण निषेध कार्य, और गुण गीत निमित्तक कार्य होने से वहीं प्रवर्तन ही होता है। इस प्रकार से किंगित जो सूत्र पर पूरा विचार समाप्त हो जाता है। यासुटे वैदि गीतो यद कार्यम तद यासुटो न किंचित अतिदेष्टव्यम अस्ति, गीत के स्थान में जो होने वाला जो कार्य है वह यासुट के स्थान में और कुछ अतिदेश करने वाला कोई कार्य नहीं, यासुट करने के बाद में उसको अतिदेश करके कहीं कोई कार्य करना इष्ट नहीं है ना, यासुट को क्यों गीत कर रहे हैं, लंग को गीत किया उसको अतिदेश करके हम कहीं कार्य कर सकते, स्थानीय भाव से गीत को लाया हमने दूसरों में, यानी आसुट में जो गीत लिए उस गीत को हम कहाँ ले जाए, कहाँ अतिदेश करें, कोई कार्य है नहीं, किसी में देश तो होना नहीं है, तो किंतु गीतियत कार्य विधियते संसारण आदिगम तद अतिदिश्यते, किंतु गीत निमित्त जो कार्य है वह संसारण आदि उसी का अतिदेश किया आपने, आसुट के पर गीत के प्रति आप संसारण कर देते हो, तच्चेत स्थानीयोद्भाव स्यात् अतिदेश अनुरोध स्यात्, और यदि स्थानीयोद्भाव से ही हो जाता है लंग के लिंग के गीत जो है उसी से भी काम चल जाता है, फिर यहाँ यासुट को गीत करना व्यर्थ हो जाएगा, क्रियमाणे गीतियत कार्यम तद अभाव से ज्ञाप स्यात्, वह ज्ञापन करता है गीत परक जो कार्य होता है उसका अभाव हो जावे, अपर्याप्तश्च इति समुदाय से गीत व्यपदेश कर्तव्य यासुड असमर्थ, समुदाय जो गीत स्वयं है उपदेश कर्तव्य काल में ही उसमें कर्तव्य यासुड कैसा है वो अपर्याप्त मैंने असमर्थ है अवयव है, यासुट ये वही अनेन गीतं क्रियते, लेकिन सूत्रकार ने पाणिनि ने यासुट को ही गीत का विधान कर दिया है, न समुदायस्य समुदाय को गीत का विधान नहीं किया, किंगिति च इत्यत्र तन्निमित्त ग्रहणस्य प्रत्याख्यातत्वात्, और किंच सूत्र में आपने क्या किया तन्निमित्त ग्रहण को प्रत्याख्यान कर दिया, किंच तन्निमित्त सेवक का प्रत्याख्यान कर दिया है, तद्वाद अगुण निमित्तो अपि यासुटि गीति गुण निषेध सिद्ध्यति, इसलिए अनिमित्तक हो गया गुण निषेध और वृद्धि निषेध जो है वो अनिमित्तक हो जाने के कारण से यासुट का प्रत्यय भी गुण निषेध हो जाएगा, यदि समुदाय स्थानीय भावेन गीत कार्यम अभविष्यत, यदि समुदाय में स्थानीय भाव के गीत कार्य कोई करना होता यासुट गीतम न वेधास्यत, फिर यासुट को गीत का विधान करना की कोई आवश्यकता नहीं थी, कि विहितं ज्ञापयति, लेकिन फिर विधान किया कि समुदाय में कोई गीत कार्य करना है उसके लिए लंग लकार का गीत तो आ ही रहा था, फिर यासुट को गीत करने की जरूरत नहीं, यासुट तो उसी का अवय हो गया है, इसीलिए विहितं ज्ञापयति
गितियत कार्यम तल आदेशे न भवति, गित निमित्त जो कार्य होगा वह लादेश कर्तव्य में नहीं होगा। केशांचित पाठ यहाँ अपर्याप्त के जगह भाष्य में पाठ भेद मानते हैं वो सुपर्याप्त से कर दिया, अपर्याप्त के जगह सुपर्याप्त ऐसा कुछ लोग पाठ करते हैं। उस स्थिति में क्या अर्थ लोगे? सुपर्याप्त मैंने सुष्टु समुदाय, अवयवय अर्थ नहीं रह जाता है, समुदाय अर्थ हो जाएगा, तब कैसे घटाओगे? तब कहते देखो तत्र अवयव गित्त द्वारेण समुदाय से गित्तम विधेयत की व्याख्या, ये यासठ अवयव है उसकी गित्त के द्वारा अवयव में भी गित्त का विधान हो रहा है ये मानना चाहिए, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। एवं कित गीति इति निमित्त सप्तमी पक्षे अपनी गुण निषेध सिद्ध्यति, उसे कित गीति में निमित्त सप्तमी पक्ष मानने पर भी गुण निषेध प्राप्त हो जाएगा। अस्मिन् पक्षे गीतम चयनम करोति इति समुदाय परामृशते, गीतम चयनम करोति जो भाष्य वचन इसी में उसका भी अर्थ ही लेना, समुदाय को जो गीत किया वो ज्ञापन कर रहा है यह कहना पड़ेगा।